आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज से रामपुर की खबर। रामपुर उत्तर प्रदेश में भी बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में देगी आम आदमी पार्टी। राजेंद्र गौतम, आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश जिला परिषद व पंचायत चुनाव का रामपुर जिला कार्यालय से किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में जिला परिषद व पंचायत चुनाव नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां का माहौल शुरू हो गया है, जहां एक और सत्तारूढ़ा पार्टी भाजपा ने विकास, नौकरी और हिंदुत्व को मुद्दा बनाया है। वहीं अन्य पार्टियों ने भी क्षेत्रीय समस्याओं को उठाते हुए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज प्रेस वार्ता जिला कार्यालय पर हुई, आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश से अपने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को पंचायत चुनाव का प्रभारी बनाकर जनपद रामपुर से पंचायत चुनाव का शंख फूंक दिया है। जनपद रामपुर के बरेली गेट स्थित आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय पर अपने जनपद के समस्त कार्यकर्ता व आम आदमी पार्टी से जुड़े सभी व्यक्तियों की एक आम सभा ली, जिसमें आगामी जिला परिषद व पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया और उनके व्यक्तियों की पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई, जिसमें मुख्य रूप से राजेश खन्ना, पूर्व विधायक प्रत्याशी ने दलबल के साथ अपने अनेक समर्थक सहित पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिससे जनपद रामपुर के आंचलिक क्षेत्र में एक चुनावी सरगर्मियां की अटकलों का माहौल तेज हो गया है। अंसार अहमद जिलाध्यक्ष जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब आम आदमी पार्टी को गांव-गांव ही नहीं बल्कि घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। इस मौके पर उर्दू अकेडमी के सदस्य साबिर अली, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष शकील मलिक, ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह, जिला अध्यक्ष अंसार अहमद साहब, प्रदेश सचिव नरेश गुप्ता, ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष फैजी अंसारी, जिला उपाध्यक्ष शहजाद अली अंसारी, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद जफर, विधानसभा महासचिव स्वर टाडा तेजेश्वर कुमार, आर्य जिला अध्यक्ष मोहम्मद शानूर, विकलांग प्रकोष्ठ के जिला सचिव गरीब उपाध्यक्ष रजिया बी, सचिव जाहिद अंसारी, फाजिल बाबूराम, सतेंद्र कुमार मौर्य, शहनाज इंदर सैनी आदि लोग उपस्थित रहे। देखते रहिए इंडिया आज तक टीवी लाइव के माध्यम से, हर छोटी बड़ी खबर दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, कमेंट्स करें। डॉक्टर नासिर सूरी, मुरादाबाद मंडल प्रभारी, नमस्कार, आदाब। आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कमजोर लोगों की आवाज को उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंद करना शुरू किया है, उससे लगातार आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है। और अब वो दिन दूर नहीं जो दिल्ली के अंदर 2013 में वहां के लोगों ने बदलाव करके एक नई राजनीति को आयाम तक पहुंचाया था, वही दौर अब 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला है और आम आदमी का परचम इंशाअल्लाह ताला बुलंद होने वाला है। 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी शिक्षा पर डिबेट के लिए हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब लखनऊ पहुंचे थे। योगी सरकार के एक मंत्री साहब ने उनको यह चैलेंज किया था कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा मॉडल है उससे कहीं ज्यादा अच्छे स्कूल उत्तर प्रदेश के सरकारी हैं। लेकिन जब मनीष सिसोदिया साहब उनसे बहस करने के लिए, शिक्षा पर चर्चा करने के लिए लखनऊ पहुंचे, तो वो योगी सरकार के मंत्री साहब लखनऊ से ही गायब हो गए, उस चर्चा में पहुंचे नहीं। हम लोगों ने दिल्ली का मॉडल वहां दिखाया, मनीष सिसोदिया साहब ने एक वीडियो वहां पे तमाम पत्रकारों को दिल्ली मॉडल का चलाकर दिखाया, तो उसके अंदर 5 स्टार कैटेगरी के दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, जहां पर बच्चों के लिए स्विमिंग का इंतजाम है, क्लासों के अंदर कंप्यूटर लगे हैं, एसी लगे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर नजर पड़ती है तो बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर होते दिखाई देते हैं। तो उसी मॉडल को देखने के लिए जब मनीष सिसोदिया साहब रामपुर लखनऊ पहुंचे तो वहां पर उनको रोकने की कोशिश की योगी सरकार ने, और जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर लखनऊ के अंदर घुसने से रोका। एक स्कूल में हम जाना चाहते थे तो उस स्कूल के आगे पूरी एक पुलिस की दीवार बनाकर खड़ी कर दी योगी सरकार ने कि आप ये स्कूल नहीं देख सकते, क्योंकि उन स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि अगर वो
स्कूल देख ले तो उनको खुद शर्म आ जाएगी कि किस तरीके के स्कूल आज उत्तर प्रदेश के अंदर हैं कि बच्चे जमीन पर बैठे हैं और मकड़ी के जाले स्कूलों के अंदर लगे हैं। तमाम शकील मलिक साहब हमारे बीच में आए हैं, हमारे अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष। मैं चाहूंगा एक बार आप आगे आ जाइए, शकील मलिक साहब के लिए जोरदार तालियां। तो हमारे शिक्षा मॉडल आपने देखा दिल्ली के अंदर जो शिक्षा मॉडल है और उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है कि लोगों की बिजलियाँ कटने लगी हैं, वो बिल नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ के सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ से बच्चे पढ़ के कामयाब नहीं हो सकते, यहाँ के अस्पताल ऐसे हैं जहाँ में अच्छा इलाज नहीं मिल सकता, लोगों को मजबूरी में दिल्ली जाके इलाज कराना पड़ता है। और यहाँ एक भय का माहौल है, लगता है जाति और धर्म की राजनीति होती है, काम की राजनीति नहीं होती। देश को ऐसा लगता है तोड़ने की एक साजिश चल रही है। ऐसे हालात में आम आदमी पार्टी ने एक नया मॉडल, गुजरात मॉडल के जवाब में एक दिल्ली का मॉडल दिया है। एक तरफ गुजरात का मॉडल है जो एक शब्द बेचा गया 2012 में, 12 तरह में बेच के एक सरकार बनाई गई जिसने कहा था हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सबके खातों में 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापस आएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अच्छे दिन तो आए नहीं और नोटबंदी ला के पूरे देश के व्यापार को तबाह कर दिया। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक भय का वातावरण बन गया पूरे देश में, जाति और धर्म की राजनीति चल रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति चल रही है। मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, देश को एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है, एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश को एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो सबको साथ लेकर चल सके, जहां भय का वातावरण ना हो, सबको किसी के मन में डर ना हो और जहां सबके लिए काम हो, बिना जाति और बिना धर्म के, बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से आगे लेकर चलने की बात हो। चूँकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है लेकिन वोट सबका लेती है और काम अडानी अंबानी के करती है। मैं समझता हूँ इससे उत्तर प्रदेश धीरे धीरे तबाही के रास्ते पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर डर का माहौल है। और जब किसी महिला के साथ, आपने हाथरस की घटना देखी होगी किस तरीके से सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई और यहाँ एडिशनल DGP कहते हैं रेप तो हुआ ही नहीं। भैया अभी तो जाँच चल रही है, आप एडिशनल DGP हैं, आप एक पक्ष के रूप में कैसे बोल रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज आप ही की CBI ने जाँच करके और ये पुष्टि की इस बात की कि रेप हुआ है। तो इस तरह के हालात अगर होंगे तो क्या लोग सुरक्षित रहेंगे? क्या लोगों में ये विश्वास पैदा होगा कि हमारी सरकार है? उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी का व्यवहार ऐसा हो गया है जैसे वो चंद जातियों के मुख्यमंत्री बन के रह गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। और उसमें देख रहे हैं हम लगातार जिस तरह का वातावरण है, बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं। और स्कूल, मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्कूल की जब तुलना करने की बात आती है तो पहले तो यहाँ के मंत्री कहते हैं कि आके मनुष्य सिसोदिया हमसे बहस करें, और जब आ जाते हैं तो भाग खड़े होते हैं, बहस में नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है, उनके पास अच्छा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति कर सकते हैं, इससे अलग उनके पास कुछ नहीं है। तो ये जो दिल्ली का मॉडल शुरू हुआ है, जहाँ दिल्ली के अंदर पूरे दुनिया में शायद दिल्ली पहला राज्य है जो टोटल बजट का 26% एजुकेशन पर खर्च कर रहा है, दिल्ली देश का पहला राज्य है जहाँ टोटल बजट का 13% हेल्थ पर खर्च कर रहा है। और जिस तरीके से वहाँ युवाओं को अपने सपने साकार करने के लिए उसको मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता, क्योंकि लाखों रुपए की कोचिंग की जरूरत है, बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं या तमाम तरह की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसके लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत है और कोचिंग इतनी महंगी है, लाखों रुपये की फीस है। तो जो बच्चे बहुत काबिल हैं, सक्षम हैं, लेकिन माँ बाप गरीब हैं, क्या ऐसे बच्चों को सपने अपने मार लेने चाहिए? लेकिन दिल्ली के अंदर एक मॉडल दिया है जिसमें जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बना के इन बच्चों को तमाम तरह के 46 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर सिविल सर्विसेज की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, जुडिशरी की, तमाम तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोचिंग दिलाई जा रही है। तो क्या उसकी ज़रूरत उत्तर प्रदेश को नहीं है? क्या सस्ती बिजली की ज़रूरत उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं है? क्या क्वालिटी हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन की उत्तर प्रदेश के लोगों को ज़रूरत नहीं है? ये कहते हैं तुम दिल्ली संभालो, उत्तर प्रदेश में क्यों आ रहे हो? उत्तर प्रदेश किसी के बाप का नहीं है, उत्तर प्रदेश में आएंगे और दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश के एक एक घर तक पहुंचाएंगे। आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की के बिना सरकार नहीं होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। क्या आम आदमी पार्टी अलायंस करेगी यहाँ उत्तर प्रदेश में सेक्युलर पार्टी से? अभी व्यवस्था क्या बनती है हम देखते हैं, अभी हमने काम करना है, अपने संगठन को गाँव तक पहुँचाना है और समान विचारधारा और जो समय और परिस्थिति इन सब को देख के कोई ना कोई रणनीति आम आदमी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जरूर तय करेगा। क्या मंत्री जी एक बात तो बताएं, हमारे यहाँ 4 सीटें हैं, क्या चारों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी या सिर्फ एक सीट पर लड़ेगी? हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। 4 सीटों पर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? मैं तो बात 403 की कर रहा हूँ, आप 4 की कर रहे हैं, सारी सीटों पर लड़ेंगे। और जो अगर कोई पार्टी निर्णय लेती है किसी के साथ बात करके
तो फिर जो पार्टी तय करेगी उसको करेंगे। लेकिन हम मॉडल है यूपी के लिए, क्या मॉडल आपके क्या पेश करेंगे आप? हम एक ऐसा मॉडल देना चाहते हैं जिसको देश, जिसकी जरूरत उत्तर प्रदेश के हर परिवार को है, हर व्यक्ति को, अमीर हो या गरीब हो। क्या उसको अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए अपने बच्चों के लिए? अमीर हो या गरीब हो, क्या उसको सरकारी खर्चे पर अच्छा इलाज नहीं चाहिए? जी अभी क्या हो रहा है हमारे यहाँ यूपी के अंदर, ये हो रहा है कि सारे स्कूल बंद हैं, उसके बावजूद फीस मांग रहे हैं बच्चों से, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो आपकी पार्टी क्यों कुछ नहीं करती इसके लिए? देखिए दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, यूपी में हमारी सरकार नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने व्यवस्था की है, हम आवाज उठा रहे हैं, और दिल्ली के अंदर हमने व्यवस्था की है कि कोई भी स्कूल केवल ट्यूशन फी लेगा, बाकी फीस नहीं लेगा, जैसे डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्ज, ये सब नहीं लेगा, क्योंकि स्कूल चल नहीं, खुल नहीं रहे हैं। तो आपके पास, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। मंत्री जी, आप ट्यूशन फी भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो टीचर है, टीचर की तनख्वाह तो जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी पार्टी कुछ करने लगी ना? हमारी पार्टी मजबूती से हर मुद्दे को उठा रही है। अब हम उत्तर प्रदेश के गाँव गाँव में जा रहे हैं और हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। और इस संदर्भ में जो आपने सवाल किया है, इस संदर्भ में हमारी पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है। कानून व्यवस्था के बारे में यूपी में क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो पूरी तरह चौपट है। जब पुलिस को भी अगर कोई अंदर घुस के थाने में बीजेपी के लोग पीट सकते हैं, तो फिर कानून व्यवस्था का क्या स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ जंगल राज है या कानून का राज नहीं है, जबकि भारत में भारत के संविधान का शासन होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे यहाँ पूरी तरह से जंगल राज है और मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है। मंत्री जी, वो क्या कारण है जिस कारण से कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति करने के लिए प्रेरणा मिली है? सिर्फ एक ही कारण है कि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा परेशान है। उत्तर प्रदेश के लोग हमसे कह रहे हैं कि आप लोग केवल दिल्ली में क्यों कर रहे हैं, जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं करते, आप राजनीति पूरे देश की क्यों नहीं संभालते? इसलिए पूरे देश में आम आदमी पार्टी को हम लोग खड़ी करेंगे और पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प के रूप में तैयार होगी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी आने वाले देश के प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद। मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हम लोग किसानों के साथ हैं, चूंकि किसानों की जो मांगे बिल्कुल जायज हैं। इन्होंने जो तीन बिल पास किए उसमें एक बिल वो है जो भंडारण की सीमा को इन्होंने खत्म किया है। आप ये देखिए, बिल बनने से पहले इतने बड़े बड़े भंडारण केंद्र बन गए, इसका मतलब जिन इनके दोस्तों ने बड़े बड़े भंडारण केंद्र बनाए जैसे अडानी अंबानी, उनके भंडारण केंद्र बेकार ना हो जाए तो उनके साथ मिलके एक बाकायदा एक सोचे समझी चाल के तहत ये बिल बनाए गए। तो पहले के अंदर तो भंडारण की सीमा खत्म कर दी जा रही है, तो वो पूरे देश के अनाज को खरीद के अपने भंडारण केंद्र में इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद जब मार्केट में डिमांड होगी और अवेलेबिलिटी नहीं होगी उसके बाद ही अपने मन माफिक कीमत पर उन सामानों को बेचेंगे। तो एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ जो दूसरा जो बिल है उस बिल के अंदर जो एग्रीमेंट होना है जमीन का, वो एग्रीमेंट करके ठेके पे सारी जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास चली जाएगी, और उसमें जो लीगल जब इश्यूज बनते हैं उसके अंदर एसडीएम को पावर दे दी, एसडीएम के यहाँ जाना पड़ेगा। आपको पता है मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ और पूरे देश के कई राज्यों के एज ए वकील मैंने केसेस किए हैं, एसडीएम और डीएम को तमाम तरह के बहुत सारे एक्ट में काम करना पड़ता है, उनके पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कोर्ट रेगुलर ले सकें, तो वहाँ तारीखें लगती रहती हैं। अगर एसडीएम को ये पावर चली गई उसके बाद किसान बेचारे धक्के खाका के 20-25 साल में अपने केस को छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल अन्यायकारी है, दमनकारी है। तीनों एक्ट बहुत ज़्यादा खराब हैं, और ये मंडी अगर खत्म हो गई, हो सकता है बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े भंडारण केंद्र वाले लोग बड़ी बड़ी मंडी बनाएंगे और 2-3 साल तक थोड़ा ज़्यादा पैसे देके भी फसल खरीदेंगे, उसके बाद जो स्थापित मंडियाँ हैं जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और केवल विकल्प किसानों के पास बचेगा नहीं सिवाय इनको बेचने के, उसके बाद यही बड़े बड़े पूंजीपति इनको कहेंगे कि तुम्हारा अनाज छोटा है, आपके चावल में क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम आपके इसको खरीदेंगे नहीं। अब वो बेचारा लाद के लाया कैसे कैसे ट्रोली में, कहाँ बेचेगा सामान को, मजबूरी में इन्हें इनकी मनपसंद कीमत पे देगा और धीरे धीरे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि शायद आम आदमी खरीद नहीं पाएगा देश में। ये तो अब उपज का टाइम है आलू का, आलू की उपज के टाइम पर मैं खुद बाज़ार से मंडी से हमेशा खुद सामान खरीद के लाता हूँ अपने घर का। आज भी मैं सारी सब्जियाँ हर सप्ताह इकट्ठी खरीदता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आलू हमेशा इस आलू के सीजन में 10 रुपये में 3 किलो और 4 किलो खूब खरीदें। ये देश में शायद पहली बार होगा जब आलू की फसल के टाइम पर आलू 50 रुपये किलो मिल रहा है। ये एक केवल आपके सामने एग्जाम्पल है, आने वाले समय में अगर ये तीनों बिल वापस नहीं हुए तो स्थिति ऐसी हो जाने वाली है कि आम लोग अब सामान खरीदना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मध्यम वर्ग, गरीब तो छोड़िए मध्यम वर्ग की भी हालत खराब होने वाली है। सरकार जो है अपने कानून को लेकर अड़ी हुई है, वापस लेने को तैयार नहीं है, किसान भी अड़े हुए हैं, इससे क्या करें? ये इसलिए जिद पर अड़ी हुई है सरकार, चूंकि जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इनकी सरकार को बनाने पर पैसा खर्च किया है, जो बड़े बड़े उद्योगपति इनके सरकार को बनाने के लिए चुनाव का खर्च उठाते हैं, जो उनसे वायदे किए हैं, एक तरफ उनके वादे एक तरफ किसान है, लेकिन जिन जिन उद्योगपतियों ने पैसा खर्च किया उनको तो सिर्फ वो नज़र आ रहे, किसान तो नज़र नहीं आ रहा, देश का आम आदमी तो उन्हें नज़र नहीं आ रहा।
लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में देश की जनता इनको जरूर जवाब देगी। राहुल गांधी जी ने फेसबुक वॉल पर लिखा है आजम खान की रिहाई के लिए, युद्ध स्तर पर इनकी मांग की जाएगी रिहाई के लिए। नहीं, मेरा ये मानना है कि कानून अपना काम करे, और दूसरी बात, कोर्ट का काम, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, कोर्ट का काम है ट्रायल करना। ट्रायल करके कोर्ट जो पूरा जांच करने के बाद इन्वेस्टिगेशन, जो कोर्ट के सामने जो ट्रायल, जो चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद का काम कोर्ट का होता है। रही बेल, तो बेल किसी का भी दो तरह के केस होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल में मुलजिम का अधिकार होता है बेल मिलना, नॉन बेलेबल में कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है। लेकिन परमानेंट किसी को भी कभी जेल में नहीं रखा जा सकता। मुझे लगता है कि कोर्ट को कानून के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, लेकिन कोर्ट के मामलों में राजनीतिक लोगों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है केसेस, उसको कोर्ट डिसाइड करेगी, और मुझे लगता है जरूर न्याय होगा। धन्यवाद।